अस्सलाम वालेकुम रन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब लोग उम्मीद है खैरत से होंगे आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पाया की रेसिपी छोटे पाए हम बनाएंगे यानी कि मटन पाए बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे ऐसे पाए बनाएंगे कि जो आपके हाथों को बिल्कुल जोड़ दें जी हाँ पाए वही होते हैं जो हाथों से चिपक जाएँ असली पाया की रेसिपी के लिए चलते हैं इसे बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास चेप पाए थे इनको मैंने उबलते और खोलते हुए पानी में डाल दिया है ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर, कर लिया है इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया है देखिए कितने साफ़ सुथरे हमने कर लिए हैं दो अदन मीडियम साइज़ के प्याज काट कर मैंने इसके अंदर डाले हैं इसके बाद हम इसके अंदर तीन अदद टमाटर पीस कर डालेंगे आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं तीन अदद पे टमाटर थे मेरे पास बड़े साइज के आप चार भी ले सकते हैं तीन चम्मच भर भर कर अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है इसके अंदर क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत स्मेल होती है तो काफ़ी सारा अदरक लहसुन इसके अंदर जाता है अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले हल्दी पाउडर है एक चम्मच मैंने डाल दिया है सुर्ख मिर्चों का पाउडर है ये मैं एक चम्मच डालूँगी आप चाहें तो आप स्पाइसिस कम या ज़्यादा कर सकते हैं फिलहाल के लिए एक चम्मच भरकर मैं नमक का ऐड करूँगी और बाकी का नमक हम लास्ट में परफेक्ट चेक करेंगे अब हम इसके अंदर दो लीटर पानी ऐड करेंगे मैं दो लीटर पानी ऐड कर रही हूँ आप अपने पाए के साख्त के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं तीन अदद लौंग हैं दो अदद बड़ी इलायची हैं तीन से चार स्टिक्स छोटे चो, छोटे हैं दालचीनी के आपके पास बड़े स्टिक्स हैं तो दो डाल लीजिए फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है अब पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसे कवर करेंगे एक घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पाए हमेशा हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाने चाहिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकें तो ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं एक घंटा गुजर चुका है तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है तकरीबन फिफ्टी परसेंट जो पानी है वो ड्राई हो गया है लेकिन इस टाइम पर हमारे जो पाए हैं वो अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर घी ऐड करेंगे एक पाव घी ऐड करेंगे आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं आप चाहें तो आप घी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं दोनों तरीके ही सही हैं लेकिन इस तरह से ऐड करेंगे तो इसकी जो स्मेल वगैरह जो रह जाती है वो ख़त्म हो जाएगी अब हम इसके अंदर डेढ़ चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इस तरह से अगर आप पाया बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे दोबारा से इसे कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर एक घंटे पर पकाएंगे तो इस तरह से इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा अब हम यहाँ पर पाए को चेक करेंगे तो हमारे पाए जो हैं वो 90 परसेंट तक गल चुके हैं हमें इतना ही गलाने थे 10 परसेंट जो है हम बुनाई के दौरान पकाएंगे इन्हें तो ये खुद ब खुद गल जाएंगे देखिए हमारे पाए जो है गल चुके हैं अगर हम इसे हंड्रेड परसेंट ही पानी में गला लेंगे तो हमें इसकी बुनाई करना मुश्किल हो जाएगा अब इस टाइम पर आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने मुसलसल चम्मच को चलाना है क्योंकि पाए का जो सालन होता है वो बहुत जल्द बॉटम से लग जाता है इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा पानी भी यूज़ करते जाएँ और इन्हें भूनते भी जाएँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ दिए गए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके देखिए यहाँ पर हमारी तकरीबन बुनाई हो चुकी है हम इसके अंदर तीन से चार अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला भी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार से हमारे पाए रेडी होंगे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे शेयर करना है कि आपके छोटे पाए कैसे बने देखिए यहाँ पर तकरीबन हमारी जो बुनाई है वो डन हो चुकी है घी जो हमने डाला था वो तकरीबन ऊपर आना शुरू हो गया है और कलर भी आप चेक कर सकती हैं कि कितना खूबसूरत होता जा रहा है अब हम अगेन इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इसका शोरबा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डेढ़ से दो लीटर पानी ऐड कर रही हूँ ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा थिक शौरबा चाहते हैं या पतला चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसिस की आप फिक्र ना करें वो हमने बिल्कुल परफेक्ट डाल लिए हैं तीस मिनट तक मैंने इसे दोबारा से पकाया इस पानी को फ्लेम को लो कर देंगे अब एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो है एक चम्मच देसी घी इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट पाएंगे बिल्कुल मैजिकल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा आपका शोरबा थोड़ा सा कटावार धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है बिल्कुल डन हो चुके हैं हमारे पाए तो अब आप इसे किसी बॉल में शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो पसंद आए तो अगे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा फीडबैक मुझे शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अला